टू स्टार्ट अप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शूड कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर पिचिंग ऑफ योर आइडिया टू एनी बडी इज़ योर मार्केट रिसर्च अगर आपने एक आइडिया ढूँढा है और आपने उसके बारे में आर एंड डी नहीं किया है रिसर्च नहीं किया है मार्केट का साइज मजा नहीं करा है तो वो उस आइडिया का क्या ही काम जब आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग का साइज़ है कितने पॉपुलेशन का साइज़ है या लोकेशन या मार्केट का साइज है जो आपके उस सोल्यूशन को खरीदेगा हाई दिस इज़ प्रियंकांका मंदानी फाउंडर ऑफ ईजी टू पिच टेलिंग यू द जर्नी ऑफ जीरो टू वन इन स्टार्टअप ऑन्टरप्रिनरशिप जर्नी अगर आपने एक आइडिया ढूंढ लिया और आप अगर मार्केट साइज को मेजर नहीं कर पाए तो ये राइट right टाइम है कि आप पहले अपने मार्केट को मेजर करिए कितना बड़ा है तब उसे एग्जीक्यूशन फेज में ले जाइए जब आपको प्रोडक्ट बनाना हो या डेवलप करना हो अब मैं बात करती हूँ कि साइज को कैसे सेगमेंट किया जाता है

अगर मैं एग्जांपल लूं कि मुझे पता है कि इफ आई एम सेलिंग अ पेंसिल और आई एम सेलिंग एन एप्लीकेशन और आई एम सेलिंग अ वेबसाइट और अ प्रोडक्ट ऑन प्लेटफॉर्म माय रीचेबल मार्केट वुड बी द होल ग्लोब अगर मैं बोलूं मुझे मैं कपड़े बेच रही हूं मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वेर आई एम सेलिंग माई क्लोथ्स आई नो दैट द होल वर्ल्ड दैट हैज ह्यूमैनिटी वुड बाय माई प्रोडक्ट्स बिकॉज दे नीड क्लोथ्स दे वेयर क्लोथ्स राइट बट हम उनको मेजर ऐसे कर रहे हैं कि टोटल एड्रेसबल मार्केट इस पिक्चर में आता है कि मैं उनको भी रीच कर सकता हूँ या मैं कभी रीच कर पाऊंगा या मेरा ये टोटल मार्केट है जो जिसके लिए मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ सिमिलरली अगर हम दूसरे सेगमेंट में आ जाते हैं सैम सर्विसेबल एड्रेसबल मार्केट इसका मतलब ये होता है कि आपने मार्केट साइज इस तरीके से मेजर करी है कि आज अगर आप ये मार्केट नहीं अचीव कर पा रहे बट आप छः से आठ महीने या एक साल दो साल बाद इसको अचीव जरूर कर पाएंगे अगर ऑफकोर्स uh, अगर आपने आज स्टार्ट किया यू नो दैट यू आर एक्वायरिंग सम मार्केट बट यू विल बी एक्वायरिंग लार्जर मार्केट इन एंड विद इन द टाइम सिमिलरली वेन वी टॉक अबाउट द थर्ड फेज ऑफ द मार्केटिंग दैट इज सॉम सर्विसेबल ऑप्टेनेबल मार्केट इसका मतलब ये होता है कि आज अगर आपने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया आपने अगर दिल्ली इन से बिज़नेस स्टार्ट किया तो अपने आस पास के लोकेशन को कवर करना बहुत ज़रूरी है पहले एंड उसको मेजर करना ज़रूरी है पहले एंड उसी को सॉन्ग कहा जाता है दैट इज़ द मार्केट विच इज़ रियलिस्टिकली नियर टू यू एंड अचीवेबल टू यू इन सर्टन अर्ली फेज और अगर आपने वो सर्टन अर्ली फेज रीच कर दिया तो आ जाता है सैम कि अब मेरे को मैंने आसपास अपना दिल्ली एनसीआर कवर कर दिया है अब मैं अपने जोग्राफिकल एरिया uh, या साइज़ इंक्रीज करके महाराष्ट्र जाऊंगा या या कर, बैंगलोर जाऊंगी सो दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज योर डाइवर्सिटी और इंक्रीज योर साइज़ ऑफ योर मार्केट एंड देन यू टॉक अबाउट सैम विच इज़ द मार्केट साइज एड यूल बी अचीविंग आफ्टर सम स्केलिंग पॉइंट और सम एक्सपैंडिंग पॉइंट एंड टैम इज डेफिनेटली आज वी टॉक अबाउट दी हंड्रेड परसेंट एज द मार्केट शेयर ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो हंड्रेड परसेंट टैब्ड हो बिल्कुल सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं वो कुछ परसेंटेज मार्केट शेयर लेते हैं बट वो पूरा कवर नहीं कर पाते हैं देर विल भी ऑलवेज सम पोर्शन ऑफ द अन टैड मार्केट इसलिए वो टाइम एग्जिस्टिंग होता है एंड अनअचीवेबल होता है बट दैट्स हाउ यू सेगमेंट योर टैम सैम सॉम वेन इट कम्स टू मेजरिंग योर मार्केट साइज फॉर योर प्रोडक्ट और फॉर योर सोल्यूशन सो so, आगे से कभी भी आप अगर अपना मार्केट साइज मेजर करेंगे तो ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा बिकॉज दिज टर्मिनोलॉजी डेफिनेटली हेल्प यू टू डिफरेंशिएट और सेगमेंट योर नियरेस्ट मार्केट एंड टू बी पॉसिबली एक्वायर्ड मार्केट बट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू टेल एनीबडी इन अ मेजरमेंट और इन नंबर दैट आई विल एक्वायर दिस मार्केट साइज इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम सो so, ये सारे सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए अच्छे से पिच करिएगा मेजर करिएगा सो दैट यू आर सक्सेसफुली कीपिंग योर आइडिया एंड योर सोल्यूशन दैट यूर ब्रिंगिंग अप इन द इंडस्ट्री थैंक यू